Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No. But then Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the bay, I was covered. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आए हैं BS6 2021 एडिशन अपाची आरटीआर 162V, और इसका कलर आप लोग देख सकते हो काफ़ी ख़तरनाक आ रहा है, जो ग्रे कलर में प्रेजेंट है। एक हॉर्स का लोगो जैसा आप देख सकते हो, एंड जो स्ट्रिप्स है इसकी, जो ग्राफिक्स है वो आपको देखो रेड पे एंड इधर वाइट पे दी गई है, जो काफ़ी प्यारी लग रही है। वो टैंक में भी आपको वही अवेलेबल मिल जाएगा, ये देख सकते हो। और अभी मैं प्रेजेंट हूँ CLTVS के बेसमेंट में, जहाँ पे देख सकते हो पूरी बाइक्स खड़ी है। आज यही वीडियो शूट कर रहे हैं, और इससे पहले वीडियो चेकआउट करना, 4V का हम लोगों ने बनाया था वो डाल दिया हूँ मैं अपने चैनल पे, और यहाँ पे 162V का बना रहे हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट अगर करते हैं तो फ्रंट में देखो एज़ यूजल जैसे है, जैसे इंडिकेटर्स आते थे जो बल्ब में है वही सेम आपको दिखेंगे। और जो फ्रंट का है यहाँ पे DRL और हेलोजन में ही फ्रंट हेडलैम्प है, और अभी इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे होंगे कॉज मैं सिनेमैटिक शूट कर रहा था तब ऑफ करना भूल गया। और टेलीस्कोपिक फोक्स है, और जो फ्रंट के मडगार्ड है उस पर भी आपको यहाँ पर एक स्ट्राइप्स वगैरह दिख जाएगा। इस साइड से देखो तो आपको डिस्क दिख रहा होगा, और सिंगल चैनल ABS इसमें प्रेजेंट है, तो सुपर मोटो ABS से उसे डिफाइन किया गया है। 90x90 का टायर है, 17 इंच का एलॉय। और इधर आके मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइट नहीं है इधर, तो लाइट थोड़ा सा आप लोगों को नहीं दिखेगा। यहाँ पे सुपर मोटो ABS एक लिखा हुआ है, उसका एक स्टिकर, एंड ये रहा फ्रंट का डिस्क जो ABS रिम के साथ में है। ऊपर आते हैं तो ऊपर आप लोग एक बार मीटर देख लो, जब मीटर मैं ऑन करूँगा तो हल्का वाइट डिस्प्ले में ये पोर्शन आएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये कंप्लीट एक बार रोटेट करके और स्वाइप हुआ एक बार, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे अब इंजन का लाइट देख सकते हो, लो फ्यूल का लाइट, आपको सर्विस इंडिकेटर, बैटरी एंड ABS का लाइट, यहाँ टाइम, यहाँ पे फ्यूल, एंड यहाँ पे स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। और इस पर आपको ट्रिप पे ट्रिप भी मिल जाता है, हाई स्पीड एंड 0 to 60 ये पोर्शन। तो इसका मीटर पे भी कुछ खास चेंज नहीं है, वैसी सेमी एनालॉग एंड डिजिटल है। और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर की फिनिश दिखेंगे, जो ये पोर्शन है। हैंडल्स वैसी है, और बीच में RTR 160 का एक टैग मिल जाएगा। और ये पास लाइट हो गया, हाई बिन लो बिन, राइट लेफ्ट इंडिकेटर, हॉर्न, एंड ये इग्नाइशन का। तो इसके साउंड आप लोगों को सुनाएंगे, उसके लिए मेरे को माइक खोलना पड़ेगा, और जब मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी एग्रेसिव साउंड आ रहा था, तो एक बार आप लोग साउंड सुन लो। तो वो तो हो गया आपका एग्जॉस्ट साउंड, जो आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी एग्रेसिव आ रहा है। और माइक खोल के मैंने किया कॉल, अगर माइक लगाया करता तो माइक में आवाज़ फट जाता है। और टैंक की बात करते हैं अब, तो टैंक में भी अब एक कार्बन फाइबर का एक छोटा सा फिनिश इस पोर्शन पे आपको दिखेगा, एंड जो टैंक है उस पर आपको लोगो जो है वो हॉर्स का दिखेगा। और 12 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी है इसका। और नीचे अगर आते हैं तो नीचे आप देख लो, इंजन जो काउल है उसमें RTFI लिखा है, मतलब रेस ट्यून्ड FI का एक स्टिकर, एंड TVS रेसिंग का। ये कंप्लीट ब्लैक पोर्शन पे इंजन है, 160cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक में। पावर की बात करते हैं, 15.53 PS का पावर और 13.9 Nm का टॉर्क इस पर अवेलेबल है आप लोगों को। और इधर आते हैं तो इधर भी आप देखो एक इंजन गार्ड टाइप छोटा सा आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर आप फुट यहाँ रखते हो तो ये आपको बार बार हिट नहीं होगा ऊपर में।
और एक छोटा सा गार्ड टेप प्रेजेंट किया गया है, और इसका काउल में यहाँ पर सिर्फ आपको TVS रेसिंग लिखा हुआ मिलेगा। इधर अपाची जो कार्बन फाइबर पोर्शन है थोड़े से यहाँ पे, और सीट की बात करते हैं तो सीट काफ़ी सही है, सिंगल सीट है। और आप लोग कमेंट कर रहे थे 180 का रिव्यू करिए ब्लैक कलर में, हालांकि वाइट पे तो मैंने दे दिया, तो वो भी ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी गोडाउन में बाइक है यहाँ पे प्रेजेंट कि सब पे एक दिन शूट करना पॉसिबल नहीं है, और अगर कर भी लेते तो तभी वीडियो डिले होगा, कॉज पर डे मैं अप्रॉक्स एक वीडियो डालता हूँ और शॉर्ट्स वगैरह किसी दिन आ जाते हैं। तो एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग 11 to 11:30 के AM के बीच में, मेरा चैनल में विजिट करके देखना, कोई ना कोई तो बाइक का रिव्यू हो गई, क्या पता 180 का नेक्स्ट आ जाए। और इस साइड से देखो तो 160 RTR का जो स्टिकर है यहाँ पे, डुअल शॉक सस्पेंशन है इसके। रेयर व्हील की बात करें तो रेयर व्हील का जो डायमेंशन है वो है 110x80 का, 17 inch का अलॉय है। और रेयर में आपको स्पीड डिस्क ब्रेक मिला है जो आपको उस साइड से दिखेगा, यहाँ पे इस पर आपको डिस्क ब्रेक अवेलेबल किया गया है। नॉन डिस्क भी आता है। और टेल सेक्शन की बात करें, टेल सेक्शन एज इट इज़ सेम ही है, कुछ वैसा चेंज नहीं है, बस आपको जो इस पे 2021 एडिशन पे आपको बस देख सकते हो कुछ वैसा खास चेंज नहीं। लेकिन अगर कीज़ की बात करें तो कीज़ भी वैसी सेम ही आपको दिख रहा है जैसे पहले था, लेकिन 164V जब मैंने देखा तो उसका कीज़ चेंज थे। अब चलिए आप लोग बताना इस पे आपको कैसा लगा रिव्यू। हालांकि ये वीडियो शूट कर रहे हैं CL TVS गिरिडीह पे जो प्रेजेंट है तिरंगा चौक में, और प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो आप लोगों को वो कॉल करके पूछना पड़ेगा, कॉज हर शोरूम हम लोग को अलाउ नहीं करता प्राइस बताने का, और TVS में हमने अलाउ नहीं है जो CL TVS है उसका प्राइसिंग वगैरह बताने का। तो आप लोग कॉल करके फ्री हो के आराम से पूछो। हालांकि जो हमें अवेलेबल कराते हैं प्राइस लिस्ट वगैरह ऑन रोड वगैरह सारे एक शोरूम, उनका हम बताते हैं, लेकिन TVS में हमें अवेलेबल नहीं किया जाता है तो हम नहीं बता सकते हैं। हालांकि बाइक आप लोग देख लो जो नई वर्ज़न आई है 2021 एडिशन काफ़ी सही है। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर टेस्ट राइड चाहिए इसका, मतलब राइड रिव्यू चाहिए इसका, तो बताना, टेस्ट राइड के लिए आप लोगों को शोरूम आना पड़ेगा। अब चलिए वीडियो करते हैं एंड, होप सो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, पुराने हो तो शेयर ज़रूर करना।